एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं साड़ी वेयर कर ली हूँ और मैं रेडी हो गई थी वीडियोस बनाने के लिए। सो मेरा वीडियो अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। ऐसे ही हो तो गाइस, अभी मैं उठ गई हूँ सोकर। सुबह में धूप नहीं था, लेकिन शाम के टाइम में हल्का हल्का धूप निकला है। तो मैं यहाँ पर बाहर निकली तो पता चला कि ये मैडम जी मेरी साड़ी पहन के वीडियोस बना रही हैं। तो इनका अपना चल रहा है वीडियोस वाला काम, और अंदर देखते हैं मम्मी क्या करती है। तो मम्मी मेरा जिम्मी, चूँकि ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी साड़ी आई थी, इसका ब्लाउज स्टिच करने में लगी हैं और साड़ी में फॉल पिको जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब करने में लगी हुई हैं। क्योंकि ये साड़ी मुझे आज नहीं तो कल पहनना है, तो इसका पूरा फुल तैयारी चल रहा है। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ छत पे और आज का मौसम एकदम काफ़ी सुहाना था। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, सबसे ज़्यादा नींद पूरा कर रही हूँ मायके में। तो बस अभी मैं यहाँ पे छत पे घूम रही हूँ क्योंकि अथर्व अभी सोया हुआ है। हाँ, फाइनली अभी छत पे ऐसा, अरे बाप रे, बहुत सारे बंदर हैं। मैं दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना बहुत सारे बंदर हैं, ये देखो। ये वैसे बंदर है ना, जब मैं क्लास करके आती हूँ तो रास्ते में पड़ जाते हैं, तो फिर वहीं पे रुकना पड़ता है, बाहर आ नहीं सकती हूँ। ये इतने बंदर बदमाश होते हैं ना गली में, अगर रहेंगे तो भाई मैं तो आई नहीं। आज मैं केला भी ली थी और नाशपाती ली थी, अथर्व मांगा था, मैं लेके आ रही थी गली में, और सेम ऐसे हुआ, बहुत सारे बंदर थे। मैं दो तीन लड़के वहाँ पे खड़े थे, मैं बोली भैया थोड़ा तक आगे तक छोड़ दो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। बक्सर में जो लोग रहते होंगे उनको पता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का सनलाइट है और मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई हूँ। मैं क्लास चली गई थी ना, क्लास से आने के बाद मैं थक जाती हूँ, तो वहाँ से आने के बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मेरा जो भी पढ़ाई होगा वो मैं अपना करूँ, क्योंकि आज मैं बुक सीरीज वगैरह भी खरीद के लाई हूँ। मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का बहुत जल्द, सो मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो अभी मैं मायके में ही रहूँगी कुछ टाइम तक, उसके बाद जाऊँगी। समर वैकेशन देखो कब तक हो रहा है अथर्व का, और हम लोग का भी होगा। आई थिंक अथर्व का 31 मई शायद, मेरा भी वही हो, 20 के बाद होगा। तो बस हमारा चल रहा है अभी ऐसे ही, छत पे थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे, फिर नीचे जाएंगे, बाबू उठा के लाएंगे, उसको लेके आएंगे छत पे, थोड़ा सा साइकिल चलाएगा वो। फिर आजकल मैं शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कल या परसों जाऊँ। और बहुत जल्द मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, बताऊँगी, फिलहाल अभी वेट करो। ओके बाबू। ये भी चमक रहा है आपके टी शर्ट में जो है। ना पहले बाबू अभी अपना होमवर्क बना रहा है। और क्या आया है देखें, क्या है बेटा? और इसमें स्प्राइट, कोको कोला, कोको कोला नहीं है, थम्स अप है वो। और ये क्या है? ये हक्का नूडल्स, हम लोग खाएंगे हक्का नूडल्स। ये और यहाँ पे है हमारा बुट्टा, अथर्व का होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी तब तो कुछ खाने पीने की चीज आ गई है, तो पहले खा पी लेते हैं, तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। तो शाम के टाइम में ऐसा कुछ होता है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, चाहे वो नूडल्स हो या मतलब कुछ भी, सारी चीज़ें हो, जो भी हो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो फिर पापा आए रेस्टोरेंट से, तो मेरे लिए हक्का नूडल्स लेके आए और स्प्राइट लेके आए। और भी डेली कुछ ना कुछ मैं मंगाती रहती हूँ। अथर्व का देखो अपना नौटंकी स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग पहले नूडल्स खाएंगे, देन भुट्टा खाएंगे क्योंकि मम्मा लेके आई थी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल आया था तो अभी मेरा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। और ये देखो अभी मेरा यहाँ पे प्रैक्टिकल बन रहा है भाई, ये देखो मेरा राइटिंग कैसा। बन
बंद करो यार, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो अभी मेरा चल रहा है प्रैक्टिकल, अथर्व को मैं नहा धोवा के सुला दी हूँ, और आज अथर्व की छुट्टी है क्योंकि इसका 2 दिन छुट्टी होता है, सैटरडे और संडे। संडे तो सबकी होती है इसकी। मेरा काजल फैल गया। सो मैं सोची जब तक ये सोया तब तक मैं अपना प्रैक्टिकल कर लेती हूँ, तब तक मम्मी कुछ खाने पीने के लिए लेके आई। ये रही मेरी माता जी। गाइस अभी मैं अपना ड्रेस चेंज कर ली हूँ और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताई थी ना कि मेरा एक घाव हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो गया था, तो उसी की वजह से मुझे हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूप निकला है तेज। चलते हैं पतिदेव के साथ। और आज है मदर्स डे, और ये मेरा बेटा अभी हन्नू हन्नू करने जा रहा है। मैं मार्केट से आ गई थी और अभी मैं ये वाली साड़ी वियर कर ली हूँ, और अभी मेरा वीडियो शूट चल रहा था छत पे। जैसे ही मैं सारा वीडियो बनाई तब तक बारिश आ गई। ओ माय गॉड, यहीं पे बंदर है, मैं वीडियो बना रही हूँ। हे भगवान, आ मच्छर। तो बारिश हो रही है बहुत तेज, ये देखो। हाय भगवान, ये पे बंदर है, भागने दो यार, आ जाएगा ना तो फिर। तो मेरी वीडियोज बन गई, थर सोया हुआ है अभी, और इतनी तेज बारिश हो रही है। आज फर्स्ट टाइम बारिश हो रही है बक्सर में, इस वाले मौसम में, इस वाले सीजन में। मैं तो खूब इंजॉय की छत पे बारिश, और फिर आ गए नीचे क्योंकि अभी तेज हो गई, अब मैं भींग जाऊंगी। और इस साड़ी का भी कोलाबेशन करना था, सो हो गया। सूट का भी करना था, लेकिन अब मैं सूट पहनूंगी तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कॉटन का सूट है, बारिश में गीला हो जाएगा। तो अभी बस हो रहा है, हमारा काम चल रहा है। मम्मी यहाँ पे ब्लाउज स्टिच कर रही है। ओके, जल्दी लिखो। लिख रहा हूँ अभी, रुक जा। सीधा सीधा गलत कर दिया वो। तो गाइस अभी मैं अथर्व का होमवर्क कंप्लीट करवा रही हूँ, और बारिश तो अब नहीं हो रही है, मौसम एकदम सुहाना हो गया। अभी तो रात हो गई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो यहाँ पे रूम में हम लोग का बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ, एंड यहाँ पे बालकनी है, यहाँ से हमें ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है ना बेटा। हाँ। तो अथर्व अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, मैं सोची चलो इसका लास्ट होमवर्क आज बचा था कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, फिर कल मंडे को स्कूल जाना है। उसके बाद मैं भी अपना प्रैक्टिकल लिखूंगी, तब तक इनकी होमवर्क कंप्लीट करा देती हूँ। देखो भाई, देखो अथर्व की नानी साइकिल चला रही है, अथर्व की, चलो चलो चलो, आजा आजा। तो साइकिल चला रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है छत पे, और नानी के साथ साइकिल चला रहा है अथर्व। आजा आजा आजा। मुड़ा दिया हूँ, चलाओ ऊपर नीचे कर। हाँ, ऐसे ऐसे करो, कर रहे हो। हाँ। आइए मैं आप सबके साथ अभी अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं अथर्व को स्कूल भेज दी हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं। सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ, अथर्व जैसे ही स्कूल जाता है उसके जस्ट बाद मैं अपना ब्रश ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रश कर ले रही हूँ और बाहर का माहौल दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर हल्की हल्की धूप निकल गई है, मतलब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा धूप है अभी। उसके बाद मैं आपको दर्शन कराती हूँ किसी से। ये तो सुबह सुबह दर्शन करना ही है इन लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है और पास में, घर के पास में ही मंडराते रहते हैं ये लोग। अभी जब ब्रश में कर ली, उसके तुरंत बाद मैं एप्पल लेके बैठ गई हूँ, और सुबह सुबह सबसे पहले मैं सेव खाती हूँ, ठीक है, खाली पेट सेव खाती हूँ। खाना भी चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अथर्व को रेडी करने के लिए मैं 5 बजे उठती थी जब ससुराल में थी, लेकिन अभी मैं मायके में हूँ तो मम्मी मेरी लंच बना देती है, तो मुझे बस अथर्व को रेडी करना होता है, तो इसलिए मैं 6 बजे उठती हूँ और आधा घंटे में उसको रेडी करके 6:30 में भेज देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मम्मी बनाई थी आज पूड़ी और भिंडी की भुजिया, अथर्व का लंच तो मेरे लिए भी बना के रख दी थी। तो अभी मैं अपना लंच, नाश्ता, मतलब ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ,
और एप्पल खाने के बाद ये आधा घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो सुबह का टाइम मेरा ऐसे ही चलता है। बाकी घर में सब लोग अभी फिर से सो गए, पापा तो बाहर घूमने गए हैं, मम्मी सिस्टर और जो भी मेरा ब्रदर है वो लोग अभी सोया हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि आधा घंटा पे उनको रेस्ट चाहिए। मम्मी तो भाई थक जाती हैं सुबह सुबह, बहुत जल्दी उठ जाती हैं ना, 4 बजे के करीब में ही उठ जाती हैं। तो फिर उनको जल्दी जल्दी अपना कर सब फिनिश करना होता है, फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हैं, फिर उठेंगी तो अपना नहा धोवा के सारा काम करेंगी। और मेरा भी कुछ इसी तरीके से चलता है। ओके।